अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए लोग दूसरों की खुशियों को उजाड़ देते हैं, दूसरों का घर उजाड़ देते हैं, दूसरे के रिलेशनशिप्स को तोड़ देते हैं। सो अगर ये आपके साथ भी हुआ है और आपके रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स क्या इनको सबक सिखाने वाली है। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में ज़रूर, अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है तो। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। ओके चलिए जी, सो डिवाइन एनर्जीज एंजल्स बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कर्मा आ रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी का, पार्टनर और थर्ड पार्टी को क्या भुगतना पड़ेगा प्लीज़ गाइड कीजिए। पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं रखनी है, थॉट्स को क्लियर कर लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे तो आपके फेवर में रीडिंग ज़रूर आएगी। सो चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, राइट। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आ गई, पहले ही इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट कार्ड अपीयर हुआ है वो ही अपीयर हो गया है स्वॉर्ड का कार्ड। सो कहीं ना कहीं तलवारें तो ज़रूर चलेंगी, परेशानियाँ तो ज़रूर से ज़रूर झेलनी पड़ेंगी। नाइन ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क मीन वृश्चिक राशि द टावर, क्लेम कीजिए, टावर आ गया है यहाँ पर, क्लेम कीजिए कर्मा, जल्दी जल्दी लिख दीजिए कर्मा, लिखेंगे फटाफट लिखेंगे अपनी मैनिफेस्टेशंस तो ज़रूर पूरी होगी। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पर आ चुकी है, सी देखो इनका हाल ज़रा क्या हो रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, ज़िंदगी बदलने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके डेफिनेटली स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स चल रहे हैं। सी फाइव नंबर फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर, फाइव ऑफ कप्स आ गया है। सो बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत बदलाव आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लॉसेस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे इनको अपनी लाइफ में, चैलेंजेस आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओ माई गॉड, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एरीज लियो सैजिटेरियस मेषिन धनु राशि हैंगमैन, टंग जाएंगे बेटा, सब कुछ यहाँ पर अटक जाएगा, कि कब तक खैर मनाओगे। द फूल का कार्ड लास्ट आया है। सो देखिए क्या चल रहा है, क्या होने वाला है इन दोनों की ज़िंदगी में। सबसे पहला ही कार्ड जैसा कि यहाँ पर आ गया था, फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, सब कुछ प्लानिंग खराब, ठीक है। देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पार्टनर का हाल हो रहा है, बंध चुके हैं इस रिश्ते में, तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत अनकंफर्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो अगर चीज़ें पहले ठीक चल रही थी तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, बहुत कहते हैं ना एक स्मूथ रिश्ता वैसा नहीं है यहाँ पर, बहुत परेशानियों में घिरा हुआ है ये रिश्ता। पार्टी थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट के चल रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के रिश्ते में आई है, आपके पार्टनर के साथ आई है कुछ ना कुछ उम्मीदें ले करके, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर इसका लालच है, ये चाहती है जो भी इसकी लाइफ में कमियां हैं वो आपका पार्टनर पूरी करे, जो भी इसको प्रॉब्लम्स हैं वो आपका पार्टनर सॉल्व करे, और ज़्यादातर इसको लालच है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा। देखो वो चाहती है आपके पार्टनर इसके ऊपर खूब खर्चा करें, वो चाहती है कि आपके पार्टनर इस पर अपना सब कुछ लुटा दें, यहाँ तक कि जो आपका था वो तक छीन करके आपके पार्टनर ने इसको दे दिया है। सो इस तरीके की बेशर्माई, इस तरीके की बदतमीज़ है ये थर्ड पार्टी, राइट। और यहाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये एटीट्यूड के चलते बहुत चीज़ें खराब होने वाली हैं इन दोनों के बीच में। देखो घमंड बहुत है इस थर्ड पार्टी को,
ठीक है। अब चाहे अपनी अपनी फिजिकल ब्यूटी, अपना एक पर्सनालिटी, या इसकी पोस्ट, या इसकी पोजीशन, या व्हाटएवर, इसको घमंड बहुत ज़्यादा है, इतराती बहुत ज़्यादा है। यहीं आपके पार्टनर को देख लीजिए, घमंड आपके पार्टनर में भी कम नहीं है, एटीट्यूड आपके पार्टनर में भी खूब भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं यही क्लैशेस का कारण है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो आपके पार्टनर से पैसा लूटती है, या जो भी कुछ आपके पार्टनर इसके ऊपर खर्च करते हैं ना, ये अपने ऊपर खर्च करती है, राइट। इसको पार्टीज़ का शौक है, इसको सलून जाने का शौक है, इसको अपने ऊपर ड्रेसिंग का शौक है, महंगे महंगे सामान, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक है। आपके पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा पैसा ये अपने ऊपर लुटवा चुकी है, होटल्स में, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का इसको बड़ा शौक है, और ये चाहती है, डेफिनेटली ये चाहती है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इस पर खर्चा करते रहें, और आपके पार्टनर ने कई बार इसके ऊपर लुटाए हैं पैसे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो अवेयर हो जाइए, अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, देख लीजिए कहीं आपका ही सामान गायब तो नहीं हो चुका है आपके यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि ये थर्ड पार्टी आपका छीन लेना चाहती है, राइट। बट यहाँ और क्या आ रहा है, यहाँ ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आई है, जो कि आया है टावर का कार्ड, राइट। सो टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहा है, बहुत शिफ्ट्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में, अकेलापन बहुत ज़्यादा घेर रहा है आपके पार्टनर को, तकलीफ़ में आ जाएंगे आपके पार्टनर, जैसे कि सब लुट गया, लुटे हुए बैठे हैं, देखो बर्बाद हुए बैठे हैं, जो इनके पास था सब कुछ तो इस थर्ड पार्टी ने लूट लिया, बचा ही क्या। फाइनेंशियली ड्रॉप आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत बुरा कर्मा भुगतना पड़ेगा, जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए कर्मा, क्योंकि बहुत बुरी गत इन लोगों की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का भी यहाँ पे फाइनेंशियल डाउन आ रहा है, और जैसे ही आपके पार्टनर का फाइनेंशियल डाउन आएगा, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी से निकल जाएगी, देखो आपके पार्टनर की लाइफ से निकल जाएगी, या फिर आपके पार्टनर खुद ही इसको धक्का दे करके निकाल जाएंगे, निकाल देंगे, रोएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी, तड़पेगी ये थर्ड पार्टी, सारी ऐंठ इसकी धरी की धरी रह जाएगी, सारा घमंड इसका चूर चूर हो जाएगा। सो बहुत जल्द ये आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको बेवकूफ़ बना रही है, फूल का कार्ड आया, कहीं ना कहीं इसको बेवकूफ़ बना रही है, और बेवकूफ़ बना बना करके आपके पार्टनर से पैसा लूट रही है, और आपके पार्टनर बहुत जल्द यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इतने फाइनेंशियल ड्रॉप आएगा आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि कर्मा भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कर्मा, और ये भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, लॉसेस आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है इनकी, अकेले रह जाएंगे, अकेलापन, सूनापन, बहुत डरावनी हालत होने वाली है इनकी, बहुत घबराने वाली बात है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कर्मा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इनका सब पूरा का पूरा रिश्ता इनका टूट करके बिखरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, टावर मोमेंट है, बहुत शेकिंग मोमेंट है, एंड शॉकिंग भी है। सो इनके लिए बहुत जल्द शॉकिंग मोमेंट आने वाला है, और इनका जो एक लाइफ जर्नी, बहुत अभी रिलेशनशिप, ये वो घूमना फिरना सब जो बहुत अच्छा अच्छा भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ अटक जाएगा, पैसे ही अटक जाएंगे, पैसों की प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, हेल्थ के इशूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी तो लटक ही जाएगी ना, अटक ही जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी। और जैसे ही इनके पास फाइनेंशियली क्राइसिस आनी शुरू होगी, थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। सो क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको कर्मा, 111 क्लेम कीजिए, जल्दी जल्दी से 111 क्लेम कर लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा करके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।